एक क्वेश्चन जो मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि भाई आप अपनी फोटोशूट वाली रील को कैसे एडिट करते हो, क्योंकि आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो इस तरह की फोटोशूट वाली रील को डालते हैं और उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। और मैं पर्सनल मेरा बताऊं तो मेरी भी काफी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज है फोटोशूट वाली रील पे। और मैंने काफी सारे अकाउंट ऐसे देखे हैं जो उन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर अपना अकाउंट बहुत फास्टली ग्रो किया है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे यूजर आईडी भी आ रहा होगा तो वहां से मेरे को फॉलो कर लेना। ऑलराइट, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN वीडियो एडिटर। तो अब जब आप फोटोशूट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी फोटोज वहां पे क्लिक करवानी है, उसमें से आपको फोटो सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी फोटो जो है बढ़िया लग रही है। उसमें से कोई भी फोटो आपको बढ़िया लग रही है, सबसे बेस्ट आपकी जो फोटो निकल के आ रही है उसको आपको सिलेक्ट करना है पहले शूट करवाने के बाद में। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना आपका जो कैमरा मैन है उसको आपको खड़ा कर देना इस तरीके से, हाथ आगे करके तुम्हारा मॉडल रहेगा वो सामने रहेगा, ठीक है। प्लस आपको एक बंदे को फोन पकड़ाना है पीछे, आप फोन से बना सकते हो कैमरे से बना सकते हो, तो मैं तो फोन से बनाता हूँ, ठीक है। तो पीछे से आपको कैमरा लेके जाना इस तरीके से ताकि वो कैमरामैन भी दिख जाएगा और साथ में बंदा भी दिख जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा चल जाना है VN वीडियो एडिटर के अंदर। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको VN वीडियो एडिटर नीचे आ रहा होगा यहाँ पे प्लस आइकन, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको करना न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो ले लेनी है, तो जैसे मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ, तो ये इस तरीके से शूट किया हुआ है, देखो। तो यहाँ पे वही पोज देना है जो तुमने फोटो क्लिक करवाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा ऊपर से, ठीक है। और प्लस आपको फोटोज ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी फोटो एडिट हो रखी है, तो जैसे ये वॉक करते हुए ये चार फोटोज मैं इसमें डालूंगा। आप तीन भी डाल सकते हो, चार भी डाल सकते हो, आप एक दो कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन ही ले लेता हूँ, ओके। तो ये तीनों ले लेते हैं, यहाँ से आगे कर देंगे, ओके। थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा ये, इतना आने के बाद में, ठीक है। क्या करना, आपको साउंड ले लेना अपना, ठीक है, जो साउंड पे आपको वीडियो डालना था। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टॉक पे जाना है, ठीक है। और आपको अपना साउंड ले लेना है जिस साउंड पे आपको वीडियो डालना है, ठीक है। तो अभी मैं ले लेता हूँ जैसे कोई भी साउंड, तो यहाँ पे मैंने अपना सॉन्ग ले लिया है, ठीक है। तो इस सॉन्ग को क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है इस साइड में, यहाँ पे लास्ट में आएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर क्लिक करना है, तो ऑडियो इसका निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हमारे पे इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, यहाँ से इसका ऑडियो ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आ रहा है इतना रखूँगा मैं इसको, ओके, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको आगे से लूँगा क्योंकि ये सॉन्ग थोड़ा लंबा है इस तरीके से, तो बिल्कुल इसको बीट पे हमारे को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माल टमटम आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फास्ट फास्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो इस वाली वीडियो पे ना क्लिक करना है, यहाँ पे आगा फिल्टर, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है हमारे को, ठीक है। तो मैं एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा लूँगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूँगा, और थोड़ा सा वाइब्रेंस को मैं बढ़ा दूँगा ताकि वीडियो थोड़ी कलरफुल लगे। और यहाँ से हमारे को शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है थोड़ी सी, ताकि जो है अब जब इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो ये कंप्रेस ना हो, ठीक है। यहाँ पर इतनी शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है, ओके। हल्का सा मैं शेडो खोल लूँगा इसका, बस डन कर देंगे, ओके। बाकी फोटो का तो हमारे को नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अब तू टैप करके इसको एडजस्ट कर सकते हो बिल्कुल बीच में, इसको भी, हाँ ये इतना ठीक है, और इसको भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। लास्ट में जाना है आपको, ये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको VN का, तो यहाँ से आपको उसको डिलीट कर देना है, ये किसी काम का नहीं अपना, ठीक है। यहाँ पे बीट पे चलाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे ताकि पूरा बीट पे आ जाए, यहाँ पे एक प्लस का बना लेंगे, उसको थोड़ा फास्ट कर देंगे, या आप क्रॉप भी कर सकते हो, पीछे से क्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको क्रॉप करना है, तो मैं तो थोड़ा फास्ट कम ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको साउंड बंद कर देना है, और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है ज़ूम, ठीक है। पहला इफेक्ट हमारे को ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद में इस वाले टैब पर आ जाना है फोटो पे, और यहाँ पे नीचे आ रहा है FX, थर्ड नंबर पे आ रहा है FX, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आएगा एक ये जिटिल जिटिल करके आता है, तो ये वाला भी अच्छा है, और जूम इन करता है, बाकी ज़्यादातर मैं ये यूज़ करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसका रखूँगा, और इसकी ओपेसिटी आपको 50-51 इतना रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना, ओके, डन कर देना है, ठीक है। तो एक बार देखते प्ले करके, ठीक है। तो इतना अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट बीट यहाँ पे आ गई, तो इसको यहाँ पे क्रॉप करूँगा, सेकंड बीट हमारी बिल्कुल यहीं पे है, तो यहाँ पे वापस सेम प्रोसेस करना है, ओके, यहाँ से डन, यहाँ पे फिर वो वाला इफेक्ट लगा देंगे, या फिर आप दूसरा लगा, ठीक है। तो मैं भी वही लगाऊंगा सेम, तो इतना रखूंगा इसको मैं 50 के लगभग, ओके, डन कर दिया, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बिट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करूँगा जूम पे, जूम वन एफ एक्स पे जाके, और ये जिटिल इसको लेंगे, ओके ठीक है, तो ओके यहाँ से डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार प्ले कर, बाकी आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है लास्ट के अंदर, एक बार प्ले करके देख ले तो बीट पे बैठा है नहीं बैठा है। तो इस तरीके से पूरा बीट पे बैठ चुका है ये साउंड पे। अब क्या करना है हमारे को, ऊपर टेक्स्ट लिखना है, जैसे अपन हाथ यूं कर रहे हैं तो आपको जो है ऊपर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइटल, और यहाँ से आप टाइप करोगे, जैसे मैं फोटो शूट आइडियाज लिख सकते हो, आप स्टैंडिंग पोज, वॉकिंग पोज डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोटो शूट आइडियाज, ठीक है, आइडियाज लिख दिया, और यहाँ पे मैंने आइडिया का ये ले लिया। यहाँ पे कलर पे टाइप करना है बैकग्राउंड, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देना है। तो आप कलर वाला चूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना, तो मैं तो मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट इतना रखना है, ओके। और यहाँ से इसका मोशन चेक कर लेना है, मोशन मैं ये वाला रखता हूँ हमेशा, ठीक है, और कितने टाइम के लिए रखना है वो देख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ प्ले करते एक बार, ओके। वीडियो अगर आपको एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा तो पीछे से क्रॉप कर सकते हो, और ऊपर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा 4K रखो उसको, 60 FPS पे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, आई होप आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ। तो भाई जल्दी जाओ अपना वीडियो एडिट करो, और मुझे टैग मार देना इंस्टाग्राम पे, यूजर आईडी नीचे आ रहा होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।